रीवा जिले से है, जहां शासन की अति महत्वाकांक्षी सेवा 108 के कर्मचारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। दरअसल संजय गांधी अस्पताल मरीज लेकर पहुंचने वाले स्टाफ के साथ निजी एम्बुलेंस संचालकों के दलालों के द्वारा मारपीट की जा रही है। ज्ञापन सौंपने वाले कर्मचारियों ने बताया कि मरीजों को लाने ले जाने के दौरान उनके साथ अभद्रता की जाती है। शासन मरीजों को मुफ्त में उनके घर से अस्पताल पहुंचाने की सुविधा दे रही है, इसके बावजूद अगर किसी मरीज को उनके द्वारा रीवा से दूसरे स्वास्थ्य केंद्र या घर छोड़ा जाता है तो एम्बुलेंस संचालकों के द्वारा उन्हें यह कहकर प्रताड़ित किया जाता है कि उक्त मरीज का नंबर उनके पास है और उनसे बात हुई है। दरअसल पूरा मामला निजी एम्बुलेंस संचालकों की मोटी कमाई का है, जिनके द्वारा मनमानी करते हुए शासकीय एम्बुलेंस संचालकों को परेशान किया जा रहा है और मरीजों के परिजनों को लूटा जा रहा है। इतना ही नहीं, पार्किंग ठेकेदारों और दलालों के द्वारा अस्पताल में मरीज उतरते और चढ़ते समय उन्हें परेशान किया जा रहा है। अगर प्रशासन शीघ्र ही दोषियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं करता तो एम्बुलेंस संचालकों ने सेवा बंद करने की चेतावनी दी है। आइए आपको सुनाते हैं एम्बुलेंस स्टाफ ने क्या जानकारी दी है। मैं इन मांगों को लेकर आया हूं कि वहां हम लोग संजय गांधी हॉस्पिटल में रहते हैं, हमारा काम है पेशेंट को लेकर आना लेकर जाना, लेकिन उसमें जो उनके प्राइवेट एम्बुलेंस संचालक है वो परेशान करते हैं, गाली गलौज करते हैं कि आप पेशेंट क्यों लेके जा रहे हो, ये मेरा पेशेंट है, इसका नंबर मेरे पास है, और गाली गलौज करते हैं। उनके जो दलाल हैं अंदर बैठे रहते हैं, हर पेशेंट के पास एक दलाल रहता है, वो मारपीट करता है यहाँ आके, ये मेरा पेशेंट है, मैंने इसको पैसे में बात की, आप फ्री में कैसे लेके जा रहे हो, मुंह मांगे पैसे पे लेके जाते हैं लोग। आप बताइए, हमारी फ्री सेवा तो हम फ्री सेवा क्यों ना दें। हाँ, शिकायत मैंने अपने विभाग में की है और आज मैं कलेक्टर महोदय के सामने आया हूँ ज्ञापन देने के लिए कि हम लोगों के साथ गाली गलौज होता, मारपीट। आज अभी सुबह सुबह मेरे पायलट है कि संदीप तिवारी, इनके साथ अभी अभी की घटना हुई है, जस्ट मारपीट हुई है संजय गांधी में सुबह। अभी पेशेंट एक बच्चा, फालू आपका बच्चा था, बच्चा आया था चेकअप के लिए, उसको छोड़ने जाना था, है ना, कॉलर ने फोन लगाया 108 में, 108 के द्वारा इनको गाड़ी अवेलेबल हुई है, लेके चल दिए, तो ये लोग उसे हाथापाई किए कि आप क्यों लेके जा रहे हो पेशेंट, मेरा पेशेंट आप नहीं ले जाओगे तो मुझे वो पैसा देके जाएगा, ऐसा थोड़ी है। सरकारी सेवा अगर चल रही तो किसके लिए सरकार चलवाइएगा, फ्री सेवा, निःशुल्क सेवा, सेवाएं बाधित की जा रही है। अब ऐसे हम लोग कैसे काम करें, अकेले रहते बताइए किससे किससे हम लोग लड़ाई झगड़ा करें। ये जो पैसा लेने का वीडियो वायरल हुआ है, कथा कथित है, ये उन्हीं का ड्राइवर है जिसने बोला है पैसा देने के लिए, वो गुड़ का है, उन्हीं के परिवारजन है, उन्हीं के ड्राइवर है। ये जब तक हमारा निदान नहीं होगा, कितने कर्मचारी अब यहाँ पर, कम से कम नहीं तो देख लीजिए आप 150 कर्मचारी हैं, इतनी एम्बुलेंस खड़ी है हमारी, समस्त जिले के कर्मचारी हैं, कैसे ऐसे काम चलेगा। हमारी 108 आती है, हमारी 108 कहीं आती है, कुछ सेवाएं दे भी रही, कुछ आती हैं, तो उनको आप खड़े क्यों यहाँ जाइए। अच्छा ये बताइए, मुझे उसको एडमिट कराना पड़ता है, कम से कम 15 से 20 मिनट लगते हैं गाड़ी खड़ा करने में, पार्किंग वाले हमको गाड़ी नहीं खड़ी करने देते संजय गांधी, तो हम कहाँ जाएं, कहाँ गाड़ी खड़ी करिए, आप बताइए। अगर ठोस आश्वासन नहीं मिलता है तो क्या एम्बुलेंस हड़ताल की जाएगी, सेवाएं बाधित की जाएगी, अगर हमारे ठोस कार्रवाई नहीं होती तो इतने कम हम लोग अपनी जान नहीं देंगे भाई, अकेले रहते हमको जान को खतरा है, हमको जान को खतरा है, गाड़ी को दौड़ा दौड़ा के गाड़ियों को रोकते हैं। अब हम पेशेंट लेके जा रहे हैं, हमको दौड़ा दौड़ा के रोका जा रहा है कि आप प्राइवेट लेके जा रहे हो, पैसा में लेके जा रहे हो, मोटरसाइकिल से पीछा करते हैं, बताइए मैं अकेले कैसे सेवा दे पाऊंगा, ड्यूटी तो हमारी अकेले की रहती है, मैं किस किस से झगड़ा करूं, कहां कहां मारपीट करूं, किससे शिकायत करूं। मेरी मांगे हैं कि ये जो सेवाएं हैं सुचारू रूप से अगर चलानी है तो वहां पे जो दलाली होती है, जो ये एम्बुलेंस संचालक लोग हैं, ये मारपीट करते हैं, ये बंद हो जाए, उनको बाहर निकाला जाए, बिल्कुल बाहर निकाला जाए वहां से। हमारी हॉस्पिटल में चारों तरफ घूमते हैं, जननी ऑफिस में अंदर जाते हैं, हर पेशेंट के पास जाते हैं, इनको अंदर बिल्कुल प्रवेश न दिया जाए, इनको परिसर से बाहर किया जाए। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर
1288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।